स्मेल आ रहा है, देखिए डर भी लग रहा है, फोन कहीं छूट ना जाए। मतलब पी सकते हैं, इसको हजम कर सकते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। देखो देखो नीचे ये चाहेगा। पिंटू को मैं फिर से बोलूंगी, पिंटू और एक फोन मुझे चाहिए, इसलिए पिंटू मेरे हाथ को धक्का दे दिया। फिर एक फोन मांगती, देते हो क्या? गाइस गुड मॉर्निंग। सो सुबह का बज रहा है 9:20। सो ब्रश करके ये लेके मैं खड़ी हुई हूँ, अभी करूँगी पवी सेम पराठास, केला हो गया। सो होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, हम लोग भी ठीक ठाक है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी में हूँ। पिंटू लाए हैं चिकन, तो चिकन को यहाँ पे मैरिनेट कर दिए, पिंटू धो के भी कर दिए, दही वही दे के जो भी कुछ मसाला दे के। एंड कहाँ है डो, आटा को डो में निकाल के रखती हूँ क्योंकि पिंटू नहा रहे हैं। सो चलिए गाइस जल्दी जल्दी करके सारा काम मैं आपसे मिलती हूँ। पहले खाना खाओ, मैं टी बिठाऊंगी। हाँ। टी नहीं हुआ है, पिंटू जाने के बाद टी बिठाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं हुआ है मेरा ब्रेकफास्ट का, मन नहीं करता है, लेजी 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 लगता है। पिंटू नया सू निकल के घर के अंदर रखे हैं, वो बीच में, क्योंकि ये नया है ना इसलिए। सो एकदम वाइट वाला, मुझे भी लग रहा है मैं भी थोड़ा पहन लूं। ये मुझे बड़ा होगा, पांच नंबर चाहिए, आठ का आठ नंबर। मैं भी ऊपर जाऊंगी, ऊपर जाके ऊपर जाऊंगी, ऊपर बहुत सारा ड्रेसेस है और मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो पीड़ा जान चुना लग गया, मेरा गेट लग गया। पिंटू गए हैं, 10 बज गया पूरा। चलती हूँ मैं, थोड़ा सा टी बनाऊंगी, टी के साथ वही पराठा है, पराठा खाऊंगी। मेरा हेयर कलर बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सोच रही थी वो नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा है उसमें तो मैं लगा लूँगी, अच्छा लग रहा है मतलब लाइट गिरने से। तो चलो गाइस मैं थोड़ा सा टी पी के, टी पराठा खा के आपसे मिलती हूँ। ऊपर बहुत सारा ड्रेसेस है, कल रात को हम लोग सुखा के आए थे, सो बहुत सारा, एंड थोड़ा सा क्लाउड भी हो गया तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा। मैं अभी जाके नहाऊंगी, सो कब बारिश हो जाएगा क्या, वो सारा लेके भी नहीं जा पाऊँगी। देखिए ये सारा वायर फुल, आई हूँ तो थोड़ा देख के ही जाऊंगी। कल रात को पिंटू बहुत सारा पानी दिए थे, बहुत सारा, रात 12:30 ऐसे कुछ हुआ था, हम लोग आए थे इसलिए। देखिए वो प्लेट में भी पानी है और देना नहीं पड़ेगा, एंड इसमें बर्ड है, दो दिन में हो जाएगा। तो इसमें देखने के बाद कुछ भी नहीं, आज लोग क्यों काम नहीं कर रहे, आज एकदम शांत शांत लग रहा है, नहीं तो धड़ चलता रहता है। सो चलो गाइस जाके, अभी बहुत कुछ काम है, नहाऊंगी, पूजा करूंगी, एंड चिकन राइस करूंगी। पिंटू तो लेट में आएंगे इसीलिए मैं थोड़ा डिले कर रही हूँ। देखिए वेदर कैसा है, कभी कभी धूप हो जाता है फिर ऐसे छाँव हो जाता है। मैं कैसे पकड़ी हूँ, कितना सारा है, एक बैग लाना पड़ेगा ऊपर से लाने के लिए क्योंकि बहुत सारा है। ओह ये हाथ एकदम गया मेरा पूरा, मतलब एक ऐसे ही पहाड़ जैसे है। सो चलो गाइस हेयर कैसे हुआ है, थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ये मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया है, नहा के पूजा करना है, फिर राइस वाइस बनाना है, सारा अपना काम ख़त्म करके ही मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस टाइम अभी हुआ है 12:10, एंड राइस को मैं बिठा दी, यहाँ पे है चिकन, चिकन को पिंटू मैरिनेट करके गए हैं, दिखाती हूँ। इसमें दही है, सारा पाउडर, थोड़ा थोड़ा हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर, इतना ही है। एंड थोड़ा सा मैं दी थी स्पाइसेस, सारा स्पाइसेस, थोड़ा थोड़ा दही, एंड इसमें और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। मैं दो ओनियन एंड एक टमाटो को फ्राई करके इसमें दूंगी,
जिंजर गार्लिक पेस्ट इतना था इसमें, मतलब जैसे कि मैरिनेट करते हैं वही सेम प्रोसेस है, लेकिन मैं इसमें टमाटो एंड ओनियन नहीं दी हूँ, उसको फ्राई करके इसको दूंगी। एंड इसमें क्या गया है, एक्स्ट्रा गया है दही और कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगेगा इसीलिए टमाटो कम दूंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो चलो गाइस, आज पिंटू तो नहीं आएंगे इसीलिए राइस कम, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा राइस है इसको मिलाऊंगी एंड चिकन राइस मेरा हो जाएगा, पिंटू खा लेंगे ऑफिस में। ये जो साउंड आ रहा है ना एकदम मस्त लगता है ना, कैमरा एकदम फोकस नहीं होता है। सो मैंगो का चटनी भी है कल से, तो मैंगो चटनी खाऊंगी, वो एकदम इतना अच्छा लग रहा है ना। स्टार्टिंग में पिंटू नहीं खाए थे, फर्स्ट टाइम जो बनाए थे वो बहुत तीखा हो गया था, हद से ज़्यादा स्पाइस हो गया था, एंड इस टाइम ठीक ठाक है। सो चलो गाइस, बना लेती हूँ लंच। आलू, एक आलू भी दे दूँगी क्योंकि आलू मुझे खाने को आज मन कर रहा है, तो एक आलू को मैं फ्राई करके दे दूँगी। लेट होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पिंटू तो नहीं आएंगे इसे जल्दी जल्दी बनाने के लिए, तो ये बड़ा वाला आलू छोटा छोटा चार पीस कर दूँगी तो जल्दी हो जाएगा। हो गया एंड देखिए, मैं बोल रही थी बारिश स्टार्ट हो गया, एकदम मिट्टी का स्मेल आ रहा है, देखिए डर भी लग रहा है फोन कहीं छूट ना जाए, सो अच्छा लग रहा है। काम नहीं होगा, खा पी के एकदम आराम से घर में बैठो तो बारिश अच्छा लगता है। देखिए बारिश 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 अच्छा लगता है कैप्चर करने के लिए। गैस ले आई, अच्छा है। वो साइड में जो भैया है, ये साइड वाले जो भैया है अभी आए थे, तो मुझे लगा कि पिंटू आ गए, बेल मारा उन्होंने तो मुझे लगा पिंटू आ गए, सो ये सारा ले जाती हूँ। थोड़ा सा छीटा लग के फिर ज़्यादा भीग जाएगा, ये तो भीगा हुआ है। एंड ये बास्केट ले जाती हूँ, बारिश का पानी से अच्छा नहीं, बारिश का पानी से गंदा हो जाएगा, सो मुझे लगा पिंटू आ गए देखने से। तो भी आके पूछ रहे थे कि आपका कोई ड्रेस वेस ऊपर है, वो बहुत दिन आते हैं, हाँ कि आपका ड्रेस है तो ले जाइए, बारिश हो रहा है। लेकिन पता नहीं किसका, बहुत सारे लोगों का है, मतलब ऐसे बारिश होता है ना, लाने के लिए भी आपको टाइम नहीं मिलता है। सो बहुत दिन वो भैया आके हमें बुलाते हैं कि ड्रेस है क्या, मैं दो तीन दिन गई थी मतलब दौड़ के नींद से उठ के, लोगों के ड्रेस सूख रहा है, यहाँ पे तुरंत ही बारिश होता है, लाने के लिए भी कोई भी टाइम नहीं होता है, एंड लोग ऊपर मतलब ला के सुखा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। चलो गाइस, मैं चिकन हो गया, मैं अभी स्टार्ट हो रही थी खाने के लिए, चिकन हुआ है इसको ओपन करके भी गई हूँ, मतलब ट्रे व्रे सब कुछ है यहाँ पे मेरे, अनियन वनियन सारा काट के रखी हूँ, एंड यहाँ पे ट्रे भी है। उसके मैं जा रही थी, वो भैया आए हैं, भैया आके बोले हैं कि आपका कोई ड्रेस है क्या ऊपर, सो बहुत दिन वो बुलाते हैं हमें, देखने से बुला देते हैं कि ड्रेस ले आओ। सो मुझे पूछ रहे हैं कि आपका नहीं तो किसका है, बहुत सारा ड्रेस होगा शायद, मैं जब गई थी उस टाइम कुछ नहीं था, शायद बाद में लाके कोई सुखाए हैं, सो सारा गया भीग गया। चलो गाइस, मैं खा लेती हूँ, टाइम भी हो रहा है, मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। पिंटू के लिए मैं कड़क टी बनाऊँगी, अभी टाइम हुआ है 6 बजे का, पिंटू फोन लगा के मुझे दे रहे हैं, पतला है मोड़ गाल में फुल फुल दिले गाल के पसे है, पिंटू बोल रहे मेरे ये गाल अंदर चला गया है, इतने ठीक है जी, अति ठीक ने आउट टिक के कम हो वो, और थोड़ा कम हो होना चाहिए, जितना भी हो ऐसे हो जाऊंगी, देखो बॉलीवुड हीरोइन। हां
पिंटू के लिए मैं थोड़ा सा टी बनाऊंगी। तुम कॉफी भी लेगी? हम लोग केरला से कॉफी लाए थे, आज तक उसको ओपन नहीं किए हैं। पिंटू को अभी याद आ गया वो कॉफी। चलो वो कॉफी पिंटू के लिए बनाऊंगी और मेरे लिए थोड़ा सा टी, मिल्क वाला टी। वो कॉफी में कुछ लिखा नहीं है, मतलब वैसे ही प्लेन पैकेट है, नहीं उसका एक्सपायरी डेट है, लेकिन वो कोई ब्रांड का ऐसे कुछ नहीं है। केरला वाला कॉफी देखो कि कब है, लेकिन इसको रखेंगे। वो बोले थे कि इसको अगर आप ओपन करेंगे दूसरा वाला जैसे कि क्या हो जाता है, पानी पानी हार्ड हार्ड होके एकदम राउंड राउंड बन जाता है, तो वो ऐसे नहीं बनेगा। देखते हैं कैसे रखेंगे इसको। मतलब वो बोले थे कि इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे भी आप इसको बाहर रखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। क्लिप क्लिप ये सारा क्लिप लगा के, ड्रेस में क्लिप नहीं रहता है, मतलब ड्रेस का क्लिप सारा लगा हुआ है पैकेट में। इसका कलर थोड़ा सा अलग आ रहा है, पता नहीं कैसा लगेगा। कलर तो इतना मुझे खास नहीं लग रहा है, कॉफी जैसे कलर नहीं है, टी जैसे लग रहा है। सो ये मैं पिंटू को दूंगी अभी। पिंटू बोलो, ऑनेस्ट रिव्यू देना। हाँ वही तो, कलर ठीक नहीं है इसका। टेस्ट बोलो, कलर में मत जाओ। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टेस्ट की हूँ, स्पून में हार्ड हो गया क्या? टेस्ट थोड़ा सा दिया है, लेकिन कॉफ़ी जैसे नहीं है, जैसे कि कॉफ़ी अच्छे से हुआ नहीं, वो जो सीड्स बना दिए वैसे लग रहा है, प्रॉपर कॉफ़ी का टेस्ट नहीं है। टेस्ट बोलो। मैं पिंटू को दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि ऑफिस से आके एकदम अच्छे से बैठे हैं, गोलू मोलू होके बोलो रिव्यू। इसमें आउटवर्ड फोल्ड मिस्सी पैकेजिंग है, जिसमें और एक कोई एक सीड ना मिला के डाले हैं बोलो, उसका नाम बुट्टे है तो मुझे लगता है दूसरा कुछ फ्रूट्स मिला के, मतलब सीड्स मिला के कॉफ़ी सीड्स में मिलाया गया। लेकिन मुझे लगता है जैसे कि टी में जो जो टी होता है पत्ता एकदम प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर रॉ कॉफी कुछ है और कुछ कच्चा कॉफी भी है। हाँ वही तो, ठीक से पक्का नहीं होगा, छोटा छोटा, मतलब इतना खास नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हाँ टेस्ट इतना अच्छा नहीं है ना, टेस्ट सही है मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सच बोलती हूँ। नेस्कॉफी ब्रूज इतना टेस्टी है, उस टाइप का नहीं लग रहा है। कॉफी का टेस्ट कैसा रहता है, जेन्युइन कॉफी का पता नहीं, मगर ये नीचे सब क्या है? हाँ और एक इसमें ये है नीचे, जैसे कि टी में स्ट्रेनर में निकल के आ जाता है एकदम पतला पतला, उसी टाइप का है ये, एकदम मिक्स नहीं होता है पूरा, थोड़ा थोड़ा है इसमें। नीचे का जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, वो बैठ गया, मतलब बहुत इसको घोली लेकिन हुआ नहीं, कुछ अलग है। मेडिसिन टी लग रही है, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सच में अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब चलेगा पीने से, कोई इतना खराब, मतलब पी सकते हैं इसको, हजम कर सकते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कॉफ़ी का। थोड़ा टी जैसे नहीं लग रहा है, टी कॉफ़ी जैसे मिला के वैसे ही। चलो पिंटू तो यहाँ पे बैठे हैं, डार्क चॉकलेट सच में वही डार्क चॉकलेट का पूरा फ्लेवर है, मैं भी मिलाए होंगे उसमें, वही फ्लेवर आ रहा है एकदम। ओ बाहर का क्या ठंड, टी शर्ट पहन के आ जाओ, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर। सब छत में है, एंड जो टी लाई थी ना और टी एकदम मस्त था, पिंटू को अच्छा लगा या मुझे पता नहीं, पिंटू तो इतना टी कॉफ़ी नहीं लेते, कॉफ़ी लेते हैं टी इतना नहीं लेते, तो बहुत सुंदर था। पिंटू को ज़्यादा है नीचे, और भी है कॉफ़ी लाओ और फेंक दो। नहीं बना हुआ है क्या? हाँ मैं बाद में पी लूँगा फिर से। अरे ये ठंड हो गया है वो, अभी चलते हम दोनों नीचे जाएंगे। पिंटू आज पिंटू का हेडेक हो रहा है, पिंटू का भी मेरे जैसे प्रॉब्लम है, देखो ना कलर कितना अच्छा है मेरा हेयर का ना, वो कलर अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता? नहीं मैं पूछ रहा हूँ। हाँ लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा रेड है ना, अभी जो लेके आई हो उसी में ये हुआ है, अभी जो लेके आई हूँ, लेकिन वो हेयर इतना खास नहीं लगता, हार्ड लगता है, कलर अच्छा देता है। पिंटू का डर है मेरा फ़ोन गिर जाएगा,
पिंटू को मैं फिर से बोलूंगी पिंटू और एक फोन मुझे चाहिए, इसलिए पिंटू मेरे हाथ को धक्का दे दिया इस तरफ। सपोज गिर जाता पिंटू फिर एक फोन मांगती देते हो क्या? हाँ सैमसंग गुरु ला के देता। देते तो ना कुछ भी हो चल चला ले। इसमें कैमरा नहीं रहता पता नहीं था। फिर जाएंगे डीमार्ट डाजी जी बा ना काली कल जाएंगे डीमार्ट। आज नहीं शाम हो रहा है, रात को क्या खाएंगे, बाहर थोड़ा ऐसे घूम के आ जाएंगे अच्छा लगेगा। ऑफिस जाते हैं पिंटू वीक में दो तीन दिन जाते हैं और जिस दिन भी आते हैं घर में हेडेक। ये परंपरा हमारा रहेगा आगे तक, मतलब पिंटू के घर में सबके हैं, मेरे घर में सबके हैं इसे। हाँ बोलते हैं ना हमेशा बाबांगन नहीं, अरे मेरे पापा के पापा लोग डॉन होते हैं ना इसीलिए हेडेक डर के नहीं आते। मेरे पापा के भी नहीं है सो दोनों पापा के नहीं है और सभी का है, थोड़ा होने से चलता है। पिंटू को इतना नहीं था, मैं आने के बाद हो गया। नीचे दिखाओ पिंटू के इतना सारा कॉफी है अंदर, वो नहीं जाता है। मैं भी उसको कपड़ा में स्ट्रेन करने से जाएगा, पूरा पतला वाला कपड़ा। थोड़ा ऊपर आ गए घूमने के लिए, घूम घाम के जाऊंगी मैं, पूजा करूंगी नीचे जाके, पूजा करूंगी इसके बाद जाएंगे नीचे बात करने के लिए। इसने किसमिस खाया ऊपर, ये काऊ खाऊ पको मत सो खाओ। हां वो एकदम टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, कैसे लोग ने यहां पर रख के गए सब, इसको और नहीं लेंगे। नहीं नहीं खाएंगे खाएंगे मतलब ये हो जाएगा पेट खराब हो जाएगा, एकदम गीला गीला सा है और कितना सुंदर भी दिख रहा है। आगे है हम लोग सूप पीने के लिए। लोग नहीं है या आएंगे थोड़ी देर बाद क्योंकि टाइम नहीं हुआ है। एकदम गरम गरम सा हवा ले रहा है। मील खत्म हो गया। मैं क्या रात को पीके सोऊंगी? बड़ा बड़ा निकालो दो। नहीं इसमें गंदा गंदा है। तीन हाँ चार पाँच छः पता हुआ छः मिल्क एक है घर में, एक मतलब एक एक जैसा इतना ही है तो भी बाहर का बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है मतलब स्प्रिंकल जैसे। एंड इस तरफ और एक दूसरा था स्नैक्स का स्टोर था या चेंज होके वुड का हो गया, ये पूरा वुड का हो गया मतलब बेड वेड सब कुछ ड्रेसिंग टेबल। पहले था स्नैक्स का स्टोर। गाइस अभी रात के बज गए या 10, घूम घाम के आ गए हम लोग यहाँ पे। मैं मिल्क को बिठाई हूँ एंड एग लेके आए हैं, तो एग में ब्रेड एग खाएंगे। सो ये मोटा मोटा ब्रेड है, सो ये बहुत मोटा मोटा ब्रेड है, इसे खाएंगे। पिंटू बोल रहे हैं पिंटू का मन है ये खाने के लिए, सो इसमें एग दे के खाएंगे एंड है चिकन भी खा लेंगे। तो चलो गाइस मैं अभी ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। आँख एकदम जैसे कि मुझे बहुत नींद है, पता नहीं क्यों जैसे कि कुछ निशा विशा खाने से ऐसे ही लगता है। पिंटू मुझे नींद क्यों आ रही है जैसे कि कोई निशा निशा सही क्यों कुछ मिला दिया क्या? मैं आज ऑफिस मिला। हाँ पिंटू को भी सब तो को ना सीरियसली मतलब। अरे मैं बोल रही थी अभी मुझे भी जैसे पिंटू को भी ऐसे फील हो रहा है जैसे कि नींद आ रहा है, मुझे भी ऐसे लग रहा है। दो पीस खा के सो जाएंगे, दोनों को नींद आ रही है अभी पता नहीं क्यों। पिंटू के पाँव टायर्ड है, अभी गर्म पानी में डुबा के रखेंगे बॉकेट में पानी गर्म कर रहे हैं। और नाखून रात में वो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। हे भगवान, मैं सोच रही थी टायर्ड लग रहा है, पाँव थोड़ा रखने से अच्छा लगता है वॉकेट में। लेकिन पिंटू अभी नेल कट करेंगे, कुछ मानते नहीं है, रात को नहीं करते हैं। नहीं वो मानता हूँ, मगर मैं वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, रात को ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। पिंटू को पिंच हो रहा है शायद।
एक एक ना सारा नील दोनों। अच्छा तो चलो गाइस अभी मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। मेरे आँख एकदम टायर्ड है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।